नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल किचन टू किचन में। मैं बनाऊंगी मशरूम पकोड़ा। मशरूम पकोड़ा खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है और इसे बनाना बहुत आसान है। आप इस पकोड़े को अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और कैसा बना था तुम कमेंट्स द्वारा हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। यहाँ पर मैंने ले लिया है मशरूम, जिसके डंठल निकाल लिए और अच्छे से मशरूम को क्लीन कर लिया है। आप चाहें तो डंठल के साथ भी पकौड़े को बना सकते हैं। और मशरूम को कैसे क्लीन करना है इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कर लें। एक बाउल लिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 3 बड़े चम्मच बेसन। साथ ही में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप कॉर्नफ्लोर के जगह पर चावल का आटा या सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे पकोड़े हल्के से क्रिस्पी बनते हैं, जो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला आप ज़रूर ऐड करें जब भी मशरूम पकोड़ा बनाएंगे, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया स्वाद आता है चाट मसाले डालने से मशरूम पकोड़े को। अब हमने डाल दिया है 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही में डाल दिया है 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चम्मच के हेल्प से पहले। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका अच्छा सा हमें बैटर बनाना है। ध्यान रखिए कि एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बैटर काफ़ी पतला हो जाएगा। इसे हमें हल्का सा गाढ़ा रखना है, इस पकोड़े का जो बैटर है मशरूम पकोड़े का, ताकि मशरूम के चारों तरफ बढ़िया से कोटिंग हो जाए। आप चाहें तो मशरूम के अंदर आलू मैश करके मसाला बना के डाल सकते हैं या पनीर क्रम करके डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसे बिल्कुल खाली रखा है। खाली इसे मैं कोटिंग कर रही हूँ बेसन का जो बैटर हमने बनाया है उससे। और अब तेल को रख देते हैं हम गर्म होने के लिए। तेल को हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल मध्यम रखना है, मीडियम रखना है। तो अब गैस का फ्लेम मीडियम रख दिया है, तेल हमारा बढ़िया से गर्म हो चुका था। तो एक एक करके हम इसमें पकोड़े डाल देंगे मशरूम पकोड़े को, और इसे पलटते हुए हम 2 से 2.5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पे रखेंगे तो पकोड़े ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से जो मशरूम है नहीं पकेगा। और अगर स्लो फ्लेम पे आप इसे फ्राई करते हैं तो बहुत सारा तेल इसके अंदर चला जाएगा और जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिए कि इस पकोड़े को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है 2 से 2.5 मिनट के लिए। देखिए तो यहाँ पर पकोड़े हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं, दिखने में ये क्रिस्पी लग रहे हैं और अच्छे से अंदर से ये पक चुके हैं। तो मैं इसे निकाल लूँगी, किनारे पे हमें रखना है कुछ सेकंड के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। तो जितने अच्छे ये दिख रहे हैं एकदम फुले फुले एकदम क्रिस्पी अंदर से, उतने ही सॉफ्ट है, खा के बहुत अच्छा लगता है। आप इसे गर्मा गर्म चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आप इस रेसिपी को, इस मशरूम पकौड़े को अपने घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स द्वारा हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।